नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे रैपिड स्केचिंग के बारे में। रैपिड स्केचिंग त्वरित रेखांकन में हम जो भी कुछ भी देखते हैं दैनिक जीवन में, जो बहुत सी चीज़ों को देखते हुए, जैसे बस स्टैंड पर लोगों को बैठे हुए या गाय को बैठे हुए, लोगों को चलते हुए, इन सब को हम स्केच में तुरंत रेखांकित करने का इसमें कोशिश ये करते हैं हम कि जो हमने देखा है वैसा उससे मिलता जुलता स्केच, एक रेखा चित्र हम तैयार करें। इसके लिए हमें बहुत सी चीज़ों की बातों को बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। स्केच मानव स्केच हो या पशु का स्केच हो, किसी भी स्केच को जब आप करते हैं तो आपके पास बहुत सीमित समय होता है। 60 सेकेंड के अंदर आप उस इमेज को देखेंगे, उस इमेज को तुरंत आपको वापस ड्रॉ करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि जो उस स्केच का, जो उस फिगर का मूवमेंट है, बॉडी मूवमेंट है, उसे हम जितना अच्छा हो सके उसको उतारने की कोशिश करें अपनी स्केच बुक में। निरंतर अभ्यास से हम स्केचिंग को सीख सकते हैं और अच्छे स्केचेस बना सकते हैं। कुछ बातों का ध्यान रखना हमें ज़रूरी है। जैसे हम ह्यूमन बॉडी प्रोपोर्शन को लेते हैं, तो ह्यूमन बॉडी प्रोपोर्शन में जितना बड़ा सिर होता है उसका डेढ़ा, मतलब उसका 1.5 जो होता है वो टॉर्सो वाला पोर्शन होता है। फिर उसकी टॉर्सो से नीचे का पैर तक का जो पोर्शन होता है वह उसका 1.5 गुना होता है टोटल सिर से लेकर टॉर्सो तक का। तो ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान रखनी है। जैसे कि आपके सामने अब हमने इतना बड़ा अगर एक फेस लेते हैं तो इस फेस का 1.5 भाग, यानी कि इतना और इतना, इतना इसका टॉर्सो होगा और फिर इस टोटल का जो है, इस टोटल का 1.5, यानी यहाँ से लेके और यहाँ इसका, इसके यहाँ तक पैर आएंगे। तो ये ह्यूमन बॉडी का एक प्रोपोर्शन रहता है, हमें इस चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है। अब हम जब हम स्केच बनाते हैं, त्वरित स्केच बनाते हैं, तो कोई भी जैसे ह्यूमन फिगर है, अब वो खड़ा हुआ है, जैसे ये एक पिलर के सहारे व्यक्ति खड़ा हुआ है, अब इसमें हमने बनाया कि जैसे ये व्यक्ति इसका सहारा लेके यहाँ पे खड़ा हुआ है, इसमें हमने बनाया कि एक व्यक्ति खंभे के सहारे खड़ा है और किताब पढ़ रहा है। अब यहाँ पे आप देखो कि इसमें उसका बॉडी मूवमेंट जो है वो दिखना ज़्यादा जरूरी है। ये आवश्यक नहीं है कि बहुत रफ या फाइन, मतलब बहुत ही फाइन डिटेल के साथ हम एक एक चीज़ को करें। उसके लिए हमारे पास दूसरा जो आराम से स्केच बनाने के लिए समय होता है उसमें हम कर सकते हैं, पर हम तुरंत स्केच जब किसी को देख के ड्रॉ करते हैं तो जैसा हमने देखा उसको तुरंत उतारने का प्रयास करते हैं। एक बार ये करने के बाद हम इसमें डिटेल दे सकते हैं। लगभग 60 सेकंड के अंदर हमको हमारे आंखों के सामने जो भी मानवाकृति है या जो भी पशु आकृति है उसको हमें देखना है, उसके मूवमेंट को, बॉडी मूवमेंट को समझना है और उसके बॉडी मूवमेंट को समझने के बाद उसको ड्रॉ करना है। अब ये एक बार आप इसका रफ स्केच करने के बाद में इसको आप डिटेल दे सकते हैं इसमें कि कैसे उसके कपड़ों के सल होंगे या कहाँ से उसके जो भी बॉडी के जो फोल्ड्स होंगे वो होंगे, इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तो ये आपके सामने रैपिड स्केच बनाने का एक तरीका हुआ। इसी प्रकार
जैसे किसी लड़की को हमने देखा है, कोई लड़की बैठी हुई वो पुस्तक पढ़ रही है या कुछ और कार्य कर रही है, तो इस प्रकार से हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसी प्रकार कोई गाय की आकृति है, ये केवल त्वरित रेखांकन है, इसमें आप डिटेल में या डिटेल में जाने की इसमें आवश्यकता नहीं होती है। केवल हम जो कुछ देखते हैं 10 12 15 या 20 सेकंड्स में, उसको अपनी आंखों से ऑब्जर्व करके उसको बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें जब कोई मानव आकृति बनाते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कंधों का मूवमेंट अगर ये रहता है तो हिप्स का मूवमेंट ये वाला रहता है। अगर हम इसको इस ढंग से बनाएंगे तो इसमें एक रिदम आएगी, लय आएगी। जब तक ये लय आपके स्केचिंग में नहीं होगी तब तक आपका रेखांकन स्थूल लगेगा, और जब ये रिदम आने के बाद में इस मूवमेंट के साथ में थोड़ा एक्टिव दिखाई देगा। कोशिश ये करनी है कि ये जो दो तीन रेखांकन है और एक सिंपल इसका जो बॉडी जेस्चर है वो हम बना सकें। अगर हम ये इतनी रेखाओं में इसको दिखाने में सक्षम हो जाते हैं तो हमारा रैपिड स्केच सक्सेस है, अन्यथा नहीं। तो इसलिए हमें पूरे स्केच में इस लाइन का ध्यान रखना है। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो स्केच में मूवमेंट भी आएगा और स्केच में सजीवता भी आएगी। अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो आप त्वरित स्केच नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे ये ध्यान रखिए कि आप एक बार जो भी चीज़ बना रहे हैं या जो भी स्केच बना रहे हैं उसको आराम से देखें। देखने के बाद जब आप स्केचिंग चालू करते हैं तो आपको 60 सेकंड के अंदर उसको देख के तुरंत और इस पर ड्रॉ करना है। डिटेल उसमें नहीं देनी है, डिटेल आपके निरंतर अभ्यास पर निर्भर करती है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, इसके बाद अगली क्लास में। थैंक यू।